आप सबसे पहले इस एग्जाम्पल को रीड कर लीजिए। ये कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। फ्रॉम द इक्वेशन ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और आपको कहा गया है यहां से एनर्जी का डायमेंशन बताओ। तो फटाफट बताओ एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। पहले हाँ जी, 2 मिनट लिख लेते हैं तो बताएं। चल नोट कर लो फिर आप बताओ। नोट कर लिया। कर लिया। जी अब डायमेंशन बताओ। इसका होगा MLT -1। कैसे? इसका एम मास हुआ तो इसका MA होगा, वेलोसिटी का देखो होता है सबसे पहले हाफ हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, माइनस मास का डायमेंशन एम आ जाता है, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? इसका सॉरी ML²T-2 होगा। यस, तो ये बन जाएगा ML2T-2, ये एनर्जी का डायमेंशन हो गया। अब एक चीज और यहां पे नोट कर लो आप, एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिक या किसी भी तरह का एनर्जी हो या वर्क डन हो, उनका डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू ही होगा। क्लियर? कोई डाउट इस क्वेश्चन में?